नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गणेश जी भगवान की मनपसंद मिठाई मोदक। मोदक के लड्डू बहुत तरह से बनते हैं। मावे के मोदक बनते हैं, बादाम के मोदक बनते हैं, काजू के मोदक बनते हैं, रवे के मोदक बनते हैं, बेसन के मोदक बनते हैं और चॉकलेटी मोदक भी बनते हैं। और भी कई तरह के मोदक के लड्डू बनते हैं। वो सारे मोदक के लड्डू या तो हमने papamummykitchen.com में डाल दिए हैं या अभी डालने वाले हैं। तो आइए, आज हम बनाने जा रहे हैं मावे के मोदक। मावे के मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें मावा बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने हाफ कप दूध लिया है। आधा कप दूध है वो अपन पैन में लेते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं और आधा कप शक्कर ली है ये इसमें घोल देते हैं। ऐसे तो मावा मार्केट में मिलता है पर मार्केट का मावा में प्योरिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हम घर में ही मावा बनाने का आपको सजेशन देते हैं। घर में आप मावा बनाइए और उससे मोदक बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और गणेश जी भगवान साल में एक बार आते हैं, इनको अच्छी मिठाई बना के आप खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शक्कर लगभग पिघल गई है, इसमें 2 टेबल स्पून अपन देसी घी डाल देते हैं। शक्कर अच्छी तरह से पिघल गई है, अभी इसमें 1.25 कप दूध का पाउडर है वो डाल देते हैं। सवा कप दूध का पाउडर डाला है और इसको अच्छी तरह से हिला देते हैं। दूध से मावा बनाने का विधि बहुत ही आसान है। आप अपने घर में मावा बनाने के लिए सूखे पाउडर से ही मावा बनाएं, जल्दी बन जाता है। और ये हमारे papamummykitchen.com पे भी अवेलेबल है, आप कभी भी इसकी रेसिपी देख सकते हैं। इसको धीरे आंच में करते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई हरी इलायची डाल देते हैं। इसमें करीब 1/2 टेबल स्पून पिस्ता डाल देते हैं। अभी मावा ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है, आप देख सकते हैं कढ़ाई भी छोड़ने लग गया है। ये गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ी देर कंटिन्यूसली हिलाते रहते हैं। मोदक का ये सांचा है, ये मार्केट में मिलता है, इस तरह से खुलता है। इसके अंदर में अपन थोड़ा घी से ग्रीसिंग कर देते हैं। जो मावा बनाया है वो अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है, जब मीडियम ठंडा हो जाएगा या गुनगुना हो जाएगा उस स्टेज में इसमें भर के इससे मोदक के लड्डू बनाएंगे। मावा अभी काफ़ी ठंडा हो गया है, अभी अपन इससे मोदक बनाना शुरू कर देते हैं। तो मोदक बनाने से पहले इसके ऊपर सबसे ऊपर थोड़ा पिस्ता लगा देते हैं। अभी ये इसके तीनों पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा ये जो अपन ने मावा बनाया है वो इसमें भर देते हैं। जितना अच्छी तरह से भर सकें भर दीजिए, उसके बाद में इसको बंद कर दीजिए। जो बाहर आ गया है इसको निकाल देते हैं, इसको अंदर में दबा देते हैं, नीचे से पूरा अच्छी तरह से दबा दिया है और जो मटेरियल बाहर आ गया है उसको इसके ऊपर भर देते हैं। अब इसको ये गरम गरम है इसको खोल देते हैं, इस तरह से एक मोदक बन गया है।
दूसरे मोदक भी अपन ऐसे ही बना लेते हैं, थोड़ा इसमें दूसरा मोदक बनाने के लिए भी इसमें थोड़ा पिस्ता डाल देते हैं और अभी इसको मावे से भर देते हैं। इसको अच्छी तरह से दबा देते हैं, जो एक्सेस मटेरियल है उसको निकाल देते हैं। इस तरह से अपना ये मोदक दूसरा वाला भी बन गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मोदक बना है। इस तरह से सारे मोदक बना के इसमें रख देते हैं। इस तरह से गणेश जी की मनपसंद मिठाई मोदक बनके तैयार है। ये मावे के मोदक बहुत ही टेस्ट में अच्छे बने हैं। आप भी इसे अपने घर में ट्राई करें और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान के भोग चढ़ाने के लिए घर में बनाकर आप चढ़ाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें और इसे आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।